नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी शाम को 3:30 बज रहे हैं और खेत घूमने आए थे, तो आपको दिखा देते हैं। आज 2 फरवरी है और बहुत ज़्यादा धूप हुआ है, तो बस कुछ ऐसा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और हर हफ्ते लॉकडाउन बढ़ जा रहा है, तो अभी घर ही रहेंगे। एक हफ्ते बाद हो सकेगा तो लखनऊ चलेंगे, तो आपको लखनऊ का व्लॉग देखने को मिलेगा। अभी देखिए, ये टेबल है और यहीं पे बैठे हुए हैं, और उधर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। उतना हमारे यहाँ होता नहीं है वॉलीबॉल, क्रिकेट का ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि वॉलीबॉल में पता नहीं क्यों नहीं होता है। गए थे यहीं पे, एक स्टोर है वहाँ पे प्रिंट आउट कराने गए थे। कल पासपोर्ट ऑफिस जाना है, क्योंकि पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किए थे तो प्रिंट आउट करने वाला मशीन है नहीं। और ये हमारे फ्रेंड है, अरे मुस्कियाद, तो बस यही है, देखा दो, यही निकालने गए थे। अभी शाम को 4 बज रहे हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इधर एक टायर देख रहे हैं, उस टाली में ले जाकर लगाना है, इसीलिए लाया गया ख़रीद कर। जो ट्रक होता है ना, उसी में निकाला जाता है, तो जो पुराना हो जाता है उसको ट्रॉली में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कल बताए थे कि हमको गाजीपुर जाना है पासपोर्ट के काम के लिए, तो बस यहीं आए थे, तो पासपोर्ट का काम हो नहीं पाया है, क्योंकि जो पासबुक होता है ना, उसका प्रिंट आउट चाहिए, DL में एड्रेस गलत था, तो बस यही है गाजीपुर की गलियों में। देखिए, इसके बाद गए हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक है और एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वहाँ पे भी काम था। और जियो ऑफिस गए थे, एयरटेल ऑफिस गए थे, सोचे हैं कि थोड़ा उसका जियो पोर्ट करने वाला और सिम ओपन करने वाला ले लेते हैं। एक लापू नंबर होता है जिससे सिम पोर्ट हो जाता है और सिम का रिचार्ज भी कर सकते हैं या कोई नया सिम भी खोल सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर का है, इधर भी कुछ है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और वो अयोध्या है, उसका सेंटर है यहाँ पे। मुझे लगा था कि कुछ होगा, तो चलते हैं जानकारी लेते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती और केले की खेती कैसे करें, अनुदान कैसे मिलता है, ग्रांट मिलता है ना सरकार के द्वारा, उसके द्वारा जानकारी मिलेगी और उसका मार्केट कहाँ लगता है, ये भी सब जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ पता चला नहीं है। देखते हैं कहीं दूसरी जगह हो तो चलेंगे, वरना घर चलेंगे। दूसरे दिन किसी दिन आएंगे तो PG कॉलेज, वहाँ पर भी हो जाता है बात। अपनी बाइक से आने का यही फ़ायदा होता है, जहाँ मन करे वहाँ चले जाइए। कई काम है आपका एक जगह, तो बाइक से आइए, अपना काम निकाल लीजिए। अब ऑटो से पकड़ पकड़ जाना पड़ेगा कोई दूसरी जगह, यहाँ से एक PG कॉलेज है, वहाँ पे भी कृषि के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी के बारे में और केले के बारे में यहाँ पे ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी। कई दिन से सोच रहे थे कि चलेंगे, क्योंकि घर वाले बोले थे। आज 4 फरवरी है तो सरस्वती पूजा है 5 फरवरी को, तो आज ही से सरस्वती पूजा के लिए तैयारी किया जा रहा है। और देखिए, सब बाँस काट दिया गया है, ताकि इधर एक मंडप होता है ना, इधर बनाया जाएगा, इधर थोड़ा टेंट पड़ जाएगा। सरस्वती माता के पूजा के लिए मूर्ति, और गांव में बनता नहीं है तो दूर से ला रहे हैं। अभी पीछे टेंट हाउस देख रहे हैं, तो कल है सरस्वती पूजा, तो उसके लिए टेंट यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि कुछ सजाने के लिए चाहिए, तो बस उसी लिए आए हैं। अभी आपको आगे का दिखाते हैं। ठंडी का सीज़न है तो टोपी पहन लेते हैं, तो थोड़ा बाहर बिगड़ जाता है। अभी टेंट ला दें तो इसको लगाते हैं, क्योंकि सुबह ठंडी पड़ेगी तो कोई लगाता नहीं है। तो बस कुछ ऐसा है, अभी देख लीजिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।